फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज मेरे यहाँ बारिश हुआ है काफ़ी दिनों के बाद। तो पौधे का कलर देखिए कितना प्यारा हो गया है, सब पौधे नहा धुल गए हैं। नहा धोने के बाद देखिए कितने चमक रहे हैं और कितना शाइनिंग आ गई है इन्हें। और ये देखिए 4 o'clock, शाम को फ्लावरिंग हुआ था काफ़ी, लेकिन मैं वीडियो लेने नहीं आई। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सब। और ये देखिए आंवला पूरा पीला हो गया था, ये भी काफ़ी अच्छा हो गया। और ये देखिए मैं आप लोगों को क्या दिखाने लाई हूँ, आज कितना अच्छा फ्लावरिंग हुआ है इसमें। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा हिबिस्कस, ये तो बहुत ही प्यारा हिबिस्कस है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है। अगर मैं एक साथ दिखाऊँ तो पूरे पौधे फूलों से भरा हुआ है। देखिए पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए। तो अभी मैं इसका हार्वेस्टिंग करूंगी, क्योंकि आज है परदोस और सावन का शुमारी है। तो मैं अभी पूजा करने मंदिर जाऊंगी, और ये मंदिर हमारे घर के पास ही में है, तो हमेशा गाना बजते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इग्नोर कीजिएगा, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये देखिए। आप देख सकते हैं पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। और ये मोगरा जो अपने स्वरूप से निकला है, देखिए इसमें भी हुआ है। और ये जगह जगह लेंटाना पिंक और वाइट मेरे पिछले गार्डन में थे, तो ये निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसे मैं रोज़ हार्वेस्ट कर लेती हूँ, इसलिए कि स्पेंड हो जाते हैं तो इनमें कीड़े लग जाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना प्यारा फूल खिला हुआ है। और पहले तो मैं दूसरा फ्लावर तोड़ ली थी हिबिस्कस का, जो मेरे और कलर खिले हुए थे पीला कलर, लेकिन अभी मैं इसको और ये देखिए मोगरा कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और ये देखिए डबल चांदनी में भी फ्लावर आने लगा है, और इस सब में कलियाँ काफ़ी बनने लगा है देखिए। देखिए सब कलियाँ बनने लगा है, लेकिन इसमें मिली बग का अटैक हो जाता है। देखिए इस चिली हिबिस्कस में भी कलियाँ बनने लगा है, इसमें कहीं कहीं मिली बग लग जाते हैं। तो देखिए ये मदर प्लांट है मोगरा का, और ये कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है रोज़ इसमें। और ये देखिए ये लेंटाना खुद से कब में निकला हुआ था, तो मैं लगाई हूँ ऐसा, ये भी लेंटाना ही है। और ये देखिए सदा बहार, और ये अलमंडा देखिए, मैं इसका पिंचिंग कर दी तो इसमें कितना अच्छा अच्छा ब्रांच आया हुआ है। और ये देखिए मेरा चंपा काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले लिया और नया नया लीव्स निकलने लगा। और केना लेली का फ्लावरिंग मैं सुबह ही तोड़ ली थी, 3-4 ठो निकला था। और ये देखिए अरवी कितना बड़ा होने लगा, तो मैं अब इसको एक दो दिन में हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये मॉर्निंग ग्लोरी देखिए जगह जगह हर चीज़ पर चढ़ जा रहा है, मैं हटाते रहती हूँ इनको। और अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गया, ये रेनी सीजन में खिलता है। तो देखिए पिछला साल भी रेनी सीजन में पर्पल कलर का फ्लावर आया था इसमें। और देखिए ये मेरी गोल्ड कितना ग्रोथ लेते जा रहा है, जगह जगह फिर और भी निकल रहा है। और ये देखिए मैं 8-10 दिन पहले कटिंग लगाई थी, तो इसमें कितना अच्छा ग्रोथ हो गया। और ये देखिए दो निकला हुआ है, इसमें इस कंटेनर में निकला था तो मैं इसमें लगा दिया। और देखिए और ये भी निकला हुआ था, तो मैं इसको बॉटल में आज लगाई हूँ, इसलिए भी मुरझा गया है। और ये देखिए लगाए हैं तो कितना अच्छा ग्रोथ हो गया। और ये देखिए सब कटिंग लगाई थी, सब ग्रो हो गया। और ये देखिए आज 4 o'clock में कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ लेते जा रहा है, फैलते जा रहा है। इसमें दो कलर मैं लगाई थी, देखिए वाइट और पिंक। और ये देखिए इसमें पता नहीं ये खीरा है कि ककड़ी है, क्या निकला है। कल अचानक से फ्लावरिंग देखी तब मुझे लगा कि ये निकला हुआ है। इसमें कुछ कुछ निकलते जाता है अपने से, मेरे समझ में जो आता है वो रखती हूँ, नहीं तो हटा देती हूँ। देखिए और 1 महीना पहले का लगा हुआ, कितना ज़्यादा ग्रोथ है इन सब का। और ऐसे मैं जगह जगह देखिए कैसे लगा रही हूँ, अभी भी काफ़ी बॉटल है मेरे पास, तो उसमें भी मैं लगा दूँगी कुछ कुछ। और देखिए
क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो आते रहता है तो बोतल बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। अरे अब सबको मैं एक दिन कटाई छटाई करके फिर से इसका कटिंग करने के बाद फिर इसमें नई ग्रोथ आ जाएगी। कुछ सूखा फर्टिलाइजर डालूँगी मैं, देखिए ड्राई फर्टिलाइज़र, और ये देखिए मोगरा कितना जल्दी इसमें ग्रोथ आया और इसमें इतना ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है। और ये देखिए पारिजात है, इसका कटिंग मैं लगाई थी, ये डहेलिया में खुद से ग्रो हो गया था, स्टिक के लिए मैं लगाई थी। तो देखिए इसको मैं इसमें कर दी क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और इसको बड़ा गमला चाहिए। तो लग रहा है मेरा गार्डन देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए यही सब मेरा अपडेट है। और ये देखिए सब जो मैं लगाई थी, कंपोस्ट बनाई थी, सब कुछ कुछ ग्रो होने लगे हैं। और मैं इसमें राई थोड़ा सा डाल दी हूँ लाकर, और ये देखिए सब राई ग्रो हो रहा है उधर। और देखिए आंगन का मेरे पौधे काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। और देखिए आई का काम जो मैं लगाई थी, और ये देखिए थोड़ी कसमें मेरा रोज एक फ्लावर होता है फ्रेंड्स, बहुत प्यारा है, ये नेचर है इसका सी। और ये देखिए क्रॉटन, और ये देखिए मेरा करी पत्ता काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, मैं इसको यहाँ से काट कर देना चाहती हूँ। और देखिए शांति का पौधा, देखिए मेरा हमेशा दो तीन फ्लावर इसमें लगा रहता है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ चल रहा है इसका। देखिए मोर पॉइंट मेरा काफ़ी अच्छा सब लग रहा है पौधा, थोड़ा थोड़ा रखी हूँ और सब बनकोनी और टेरिस पे ले गए। और ये देखिए मौका दूसरा वाला, और ये करी का फोन इधर है, और ये देखिए सब कटिंग में लगाए हैं, ये सब ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए अपराजिता, इसका फ्लावर मैं तोड़ रही हूँ और एक टिफिन बेच दिया। और ये देखिए मेरा समय का पौधा, और इसमें फ्लावरिंग होगा। और ये देखिए तुलसी मेरा काफ़ी ए हो जाते हैं, फ्लावर उसमें आ जाता है मुझे, तो इसको मैं तोड़ूंगी। और ये देखिए कड़ी पत्ता काफ़ी अच्छा ग्रोथ में, ये देखिए ऐसे लग रहा है। तो देखिए ये मेरे फ्लावर है, मैं फ्लावर ला सकती हूँ। देखिए मनी प्लांट है, काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, देखिए काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है मनी प्लांट मेरा। इधर भी मैं कुछ कटिंग लगाई हूँ वहाँ। ये देखिए मेरा रजनीगंधा में कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है, पूरा फूलों से भरा हुआ है रजनीगंधा। और ये नेचर हिबिस्कस भी रोज एक दो खिलते रहते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए कलियों से भरा हुआ है, और देखिए सारे फ्लावरिंग काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, सभी पौधे काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। देखिए एक जोड़ा कितना ज़्यादा ग्रोथ आया है, लेकिन अभी कलियाँ नहीं आई है इसमें, और ये नहीं चल रही है। और ये देखिए, और एस्पेरिगस सब कितना अच्छा ग्रोथ में है, और ये छोटा सा पौधा कितना अच्छा चल, देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है, इसका 10 से 15 कटिंग लगाई हूँ। और ये देखिए सब रियो प्लांट ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये देखिए ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, तो इसको भी मैं करूँगी। और आज मेरे जितने भी जेड प्लांट लंबे लंबे हो गए थे सबकी कटिंग मैं लगाई हूँ, और इनकी पत्तियों को भी मैं लगाई हूँ, तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे देखिए इस पेरी पर सब काफ़ी अच्छे चल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। और ये रजनीगंधा तो कमाल का खिला हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है,
इसको भी मैं एक दो तोड़ूंगी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। बहुत प्यारा फूल है, देखिए आज फूल का हार्वेस्टिंग है। ये देखिए इधर भी मैं जेक प्लांट लगाई थी और मोगरा, और स्नेक प्लांट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने लगा है, देखिए जगह जगह निकलने लगा है। और ये सिंगोनियम देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, और इसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ। और ये देखिए कलेंटर, और ये देखिए जो कलेंटर मैं पत्तों से प्रोपोगेट की थी वो है, देखिए कितना अच्छा चल रहा है। और इसमें मोगरा ग्रो हो गया है, देखिए नई नई ब्रांच दे रहा है, इसका फ्लावरिंग हो गया। और ये देखिए इसमें भी कोलियस का कटिंग है, और ये देखिए ये है लेंटाना। और ये देखिए नेचर में मैं एक बॉटल में लगाए हैं उसको, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए सब। और ये सब मैं कटिंग लगाई हूँ, और ये भी कटिंग है सब, जैसे गुनियम का कटिंग देखिए सब अच्छे से ग्रो हो गया, सब में अच्छे अच्छे लीफ आने लगी है। और स्पाइडर प्लांट भी काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, और ये चांदनी पूरा कटिंग लग गया है, कम से कम 10 कटिंग है इसमें, तो ऐसे चल रहा है मेरा गार्डन का लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए। फ्रेंड्स अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।